राहु ये बोलता है इमोशनल नहीं होने का, क्योंकि राहु एक राक्षस है और उसको धोखा मिला था, उसकी गर्दन काट दी गई थी, सो उसको इमोशंस पसंद नहीं है। अब राहु की महादशा में अगर आपने इमोशंस दिखाए तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। राहु आपको चैरिटी करने को मना करता है, तो अगर आप चैरिटी करेंगे तो राहु ये कहता है कि मैं तुम्हें यश वैभव और खूब सारा धन दौलत देने आया हूं, लेकिन बांटने के लिए नहीं, क्योंकि उसको इमोशंस पसंद नहीं है। उसके बाद वो सोशल मीडिया का मालिक होता है, आप सोशली वो आपकी चीज व्हाटएवर यू सी व्हाटएवर यू से व्हाटएवर यू थिंक यू अट्रैक्ट, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी है, ये तो है ही, और विघ्नहर्ता गणेश आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, आपके जीवन के सारे विघ्न हरे। सो मैं हूं अंजना रितोरिया, आप सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस बनाए हैं मैंने, 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं इस चैनल पे। लेकिन जब मेरी एक जर्नी थी, जब मैं बहुत कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ प्रकृति के अकॉर्डिंग हो रहा था, जिसकी वजह से आज मैं सफलता के शिखर पे हूँ। उन दिनों जब मैं परेशान हुआ करती थी, जब मैं समझ नहीं पाती थी कि प्रकृति क्या कर रही है और क्यों कर रही है और सब कुछ मेरे फायदे के लिए कर रही है, कई बार हम नहीं समझ पाते, हमारा वो पर्सपेक्टिव नहीं होता, तो उन दिनों की बात बता रही हूँ मैं। उन दिनों बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाती थी और समझ में नहीं आता था, कई बार जो मैं चाहती थी वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं कर पाए, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा ज्ञान हो गया और आज समझ में आता है कि वो जो नहीं हुआ था, जो मैं चाह रही थी वो अच्छा हुआ था, क्योंकि ऊपर वाला मेरे लिए बहुत बेहतर चाह रहा था जो अब हो रहा है। सो 2021 से जब मेरी जर्नी शुरू हुई, तो मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को, जब अपनी कुंडली दिखाती हूँ, अभी जो मेरे भैया ही एस्ट्रोलॉजर है और शून्य प्रभु जी हैं, इनसे मैं हमेशा राय लेती रहती हूँ, तो इन्होंने बताया कि 2-3 सालों में से अभी तक तुम्हें मिल रहा था वो तो राहु के आने की दस्तक थी। कहते हैं ना कि जो बारिश आने वाली होती है वो बादल गड़गड़ाते हैं, वो बताते हैं कि बारिश आने वाली है, उसी तरह से राहु कुछ चीजें आपके जीवन में करता है जिससे आपको पता पड़ जाता है अच्छा राहु की महादशा आने वाली है, वो दस्तक देने लगता है। तो शून्य प्रभु जी ने मुझे कहा था कि ये जो अभी तक तुम्हें मिल रहा है, जितना भी नेम फेम पैसा, ये तो राहु की दस्तक है, असली मजा तो जब आएगा सर 7 सितंबर 2024 से राहु आएगा। दुनिया राहु के आने से डरती है कुंडली में, और मैं राहु की महादशा का वेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था इतने शुभ दिन मेरे राहु की महादशा शुरू होगी। आज गणेश चतुर्थी भी है और आप सबको पता है करोड़ों का वॉलेट मैंने बनाया है राहु और बुध के कॉम्बिनेशन से, और जिसने कितनी सफलता दिलाई है मैं जानती हूँ, बिकॉज इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और गणेश यानी बुध ग्रह आपको डोमिनेट करता है, और दूसरा आज राहु की महादशा लग रही है, तो अगेन ये फिर एक कॉम्बिनेशन है जो कि ये इतनी अच्छी महादशा का योग बन रहा है। आज गणेश चतुर्थी के दिन ये योग जो है महादशा का, ये 18 साल मेरी महादशा चलेगी राहु की, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। राहु जो है वो एक राक्षस ग्रह है, कुछ हरकतें वो ऐसी करता है कि आपको आदि बनाता है, आपको एडिक्शन दे देता है, लेकिन ये आपके ऊपर है अगर आप ग्रह समझ गए तो वो एडिक्शन किस चीज का लेना है। आप प्यार मोहब्बत के एडिक्शन में फंस गए तो पूरे 18 साल आप मालूम पड़ा यही करते रह गए, आपने धुआं लगा लिया मुंह से या दारू का ग्लास उठा लिया, मालूम पड़ा आप यही करते रह गए, क्योंकि वो आपको एडिक्शन दे देगा। या आपने दौलत का नशा लगा लिया तो वो आपको वही देता जाएगा, क्योंकि अब आपको नशा हो गया है दौलत का। इस तरह का ग्रह होता है ये राहु, जो आपको एडिक्शन देता है, लेकिन अगर आप समझ गए और आपने राहु की महादशा में सही इस्तेमाल कर लिया, सही चीजें कर ली, या राहु के अकॉर्डिंग जो उसके एलिमेंट्स है उनका इस्तेमाल किया, ये आपको बहुत सफलता दे सकता है। मुझे तो नहीं पता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन जितना भी ज्ञान है और जितने भी मेरे आसपास एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे शून्य प्रभु जी हैं या मेरे भैया हैं, इन सबके अनुसार राहु ने बहुतों को बना दिया है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो सदगुरु हो, इन सबकी कुंडली में जब राहु की महादशा आई थी तब उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप ले लिए थे जिससे उनको रातों रात सफलता मिल गई। मुकेश अंबानी ने जियो सिम लॉन्च की थी जब उनकी राहु की महादशा लगी थी। राहु ये बोलता है इमोशनल नहीं होने का, क्योंकि राहु एक राक्षस है और उसको धोखा मिला था, उसकी गर्दन काट दी गई थी, सो उसको इमोशंस पसंद नहीं है। अब राहु की महादशा में अगर आपने इमोशंस दिखाए तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। राहु आपको चैरिटी करने को मना करता है, तो अगर आप चैरिटी करेंगे तो राहु ये कहता है कि मैं तुम्हें यश वैभव और खूब सारा धन दौलत देने आया हूं, लेकिन बांटने के लिए नहीं, क्योंकि उसको इमोशंस पसंद नहीं है।
उसके बाद वो सोशल मीडिया का मालिक होता है, आप सोशली वो आपकी चीजों को वायरल करके आपको रातों रात नेम फेम और मनी दिला सकता है। ऐसे कुछ अच्छी क्वालिटी है राहु ग्रह की। अगर आपने राहु ग्रह को समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। मैं तो समझ चुकी हूँ, मैं तो खुद इंतजार कर रही थी 2 साल से राहु ग्रह का। सो आज लग गई है राहु की महादशा और बस थोड़ी ही देर में हवन करने वाली हूँ। आप सबको पता है 23 सितंबर को बर्थडे है, 50th बर्थडे। पानी आ चुका है, करोड़ों का पानी जो भगवान के मंदिर में रखा है, इसको रोज ब्लेस करना है सो दैट जब आप आए तो आप ले सकें। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी अगले कुछ वीडियोस में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफी सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने और मैं बताना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो प्लैनेट्स हैं साथ साथ में चलते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हो तो प्लैनेट फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं, अगर प्लैनेट अच्छे हैं तो आपकी थॉट पॉजिटिव हो जाती है। सो चाहो या ना चाहो प्लैनेट अपना असर छोड़ते ही हैं। जब डीप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने डीप स्टडी नहीं करी है लेकिन फिर भी मुझे ग्रहों का बहुत ज्ञान है, इसीलिए मैं कई बार ग्रहों की बातें वेबिनार भी लेती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगी एक बार अपनी कुंडली दिखा के ये देखिए कि कहीं राहु आने वाला तो नहीं है, आएगा ना तो अरबपति बना सकता है अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया। नहीं इस्तेमाल किया तो राहु आपको आलसी भी बनाता है, मालूम पड़ा दिन भर सो रहे हैं, लेट बैक एटीट्यूड है या गलत आदतों में पड़ गए, ये भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप उस ग्रह से क्या फायदा उठाएं। अंजना रितोरिया के बारे में अगर आप नहीं जानते और वो आपके घर आती है और आपको कुछ भी नहीं पता है, 1 घंटा में आपके घर बैठी और चली गई, बाद में आपको पता पड़ा अरे ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, अंजना रितोरिया तो लाइफ कोच थी, बहुत कुछ बता सकती थी, हमारे विघ्न हर सकती थी, राइट। लेकिन बाद में जब वो अंजना चली गई कोई फायदा नहीं। उसी तरह से कई बार कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह आपको बहुत कुछ देने आते हैं लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता और वो ग्रह आके चला भी जाता है। सो कुछ ग्रह होते हैं जो 7 साल के लिए आते हैं, कुछ ग्रह 18 साल के लिए आते हैं, जैसे राहु आया है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह अपने अपने टाइम लेके आता है, अपनी अपनी दशा लेके आता है, महादशा में आता है, अंतरदशा में आता है, सूक्ष्म दशा में आता है। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ पता पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आज गणेश चतुर्थी के दिन मेरी राहु की महादशा लग गई है, अगले 18 साल किस तरह के मेरे अनुभव होंगे राहु के साथ, किस तरह की तरक्की होगी, ये आप खुद देख पाएंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कई बार आपके एफर्ट्स तो बहुत लग रहे होते हैं लेकिन अगर प्लैनेटरी सपोर्ट नहीं मिलता तो कई बार हमको उस लेवल की सफलता नहीं मिलती। और कई बार प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके साथ में उस जैसा आप काम नहीं करते तो वो प्लैनेट भी कुछ नहीं कर पाता है। सो ये प्लैनेट और एफर्ट जो आपके होते हैं, क्योंकि जिस तरह की फ्रिक्वेंसी प्लैनेट की अगर उसी तरह के आप काम कर रहे हैं, ये दोनों के काम से आपके जीवन में हार्मनी आती है और हार्मनी आती है तो सफलता आती है। अगला फिर मैं वीडियो किसी ना किसी प्लैनेट को लेकर समझाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आपको छोटा छोटा ज्ञान दे सकूं प्लैनेट्स के बारे में सो दैट, क्योंकि हर किसी की कुंडली होती है जब हम पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं प्लैनेटरी कुछ ना कुछ पोजीशन होती है जिसके असर होते हैं। इट्स वेरी वेरी साइंटिफिक। आप अगर बाहर निकल रहे हैं और धूप आप पर ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता, आप बाहर निकल रहे हो बारिश आ रही है आप ना भीगे ऐसा नहीं हो सकता, उसी तरह से ये 9 प्लैनेट है। अगर आप इस पृथ्वी पे हैं और प्लैनेट की आपके रेस ना पड़े, फ्रिक्वेंसी ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। सो इंस्टेड ऑफ डिनाइंग प्लैनेट्स, कंप्लीटली रिजेक्टिंग प्लैनेट्स, जस्ट स्टडी प्लैनेट्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की और ढेर सारे आशीर्वाद। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ राहु महादशा। लोग डरते हैं और मैं इंतजार कर रही थी राहु महादशा का। देखते हैं आगे अंजना रितोरिया के जीवन में क्या करता है ये राहु। थैंक यू सो मच।